हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं। हम बनाएंगे आज राजस्थानी कढ़ी। तो कढ़ी को बनाने के लिए हमें जो आवश्यक सामान चाहिए वो इस प्रकार है। हमने सबसे पहले ये तीन प्याज है जिनको बारीक कट कर लिया है। ये लहसुन का पेस्ट लिया है, लगभग 10 कलियाँ जिनको हमने पीस कर तैयार कर लिया है। ये 6 हरी मिर्ची जिनको हमने कट कर लिया है। लगभग 1 केजी हमने छाछ ली है, इसके लिए हमने 1 कटोरी बेसन लिया है इसमें डालने के लिए, इसमें काफ़ी है। और ये मेथी दाना लिया है, इसमें हम जीरे का यूज़ में नहीं लेंगे तो इसमें मेथी डालेंगे। और ये लगभग 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑन करते हैं और इसके ऊपर हम कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुकी है, अब इसके अंदर ऑयल डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालना है। इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम कढ़ी के लिए घोल बना लेंगे। तो सबसे पहले छाछ के अंदर हम 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। कढ़ी बनाने के लिए हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डालना चाहिए क्योंकि जिससे अच्छा कलर आ सके। और 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार, और लगभग 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हमने जो 1 कटोरी बेसन लिया था वो भी डाल देंगे इसके अंदर, छाछ के अंदर, और इसको रई की सहायता से अच्छी तरह मिला देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हम दोनों हाथों की सहायता से इस रई को इसके अंदर ऐसे घुमा देंगे जिससे ये एकदम से बिल्कुल एक हो जाए और इनका अच्छे से पेस्ट बन जाए। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इस रई को बाहर निकाल लेते हैं। और इधर हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर इसमें हम मेथी दाना डाल देंगे। मेथी दाने से हमारी कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और ये 3 लाल मिर्ची डाल दिए तड़के में। मेथी दाना बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को ब्राउन होने देते हैं अच्छी तरह, उसके बाद में आगे की प्रोसेस करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जो हमने बना कर रखा था पहले से ही। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको भी थोड़ा सा हम सिकने देते हैं। इसके अंदर हमने जो हरी मिर्ची काट कर रखी थी वो डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा सेक लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने सामान डाला है और थोड़ा थोड़ा सेकने के बाद ही आगे बढ़ना है। राजस्थानी कढ़ी बहुत ही प्रसिद्ध है, आप एक बार ज़रूर बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। बने रहें वीडियो में लास्ट तक। ये हमारी हरी मिर्च प्याज ब्राउन हो चुके हैं। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का ब्राउन करना है। अब इसके अंदर हमने जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। ये देखिए ये पेस्ट डालना है। पेस्ट के अंदर हमने सब कुछ डाल दिया था, हरी मिर्ची वगैरह सब कुछ डाल दिया था। अब इसको हिलाते रहेंगे। इसे तब तक हिलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह गर्म ना हो जाए। अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो हमारी कढ़ी फट भी सकती है और अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए हम इसको उबाल आने तक हिलाते ही रहेंगे। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनकर तैयार होने वाली है। ये देखिए
हमारी घड़ी बिल्कुल गर्म हो चुकी है और अब हम इसको छोड़ सकते हैं। ये देखिए मसाला और जो हमने प्याज हरी मिर्च डाली थी वो बिल्कुल इसमें मिक्स हो चुके हैं, अच्छी सी लेयर बन रही है, तो इसका मतलब है कढ़ी बिल्कुल गर्म हो चुकी है। अब इसको लगभग 20 मिनट तक अच्छे से पकने देना है। हमारी कढ़ी जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही टेस्टी बनेगी। बस बीच बीच में 2-3 मिनट बाद में इसको थोड़ा सा हिला देंगे, वरना छोड़ सकते हैं आराम से। मीडियम फ्लेम पर इसको बनने देते हैं। ये देखिए हमारी कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। लगभग हमने 20 मिनट तक इसको पका लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब हम इसके ऊपर अपनी मनपसंद हरा धनिया या सूखी मेथी भी डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए हमने इसके ऊपर सूखी मेथी ऐड कर दी है। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें डाल सकते हो हरा धनिया या फिर जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हो। तो हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देसी राजस्थानी कढ़ी बनाने की बहुत ही आसान विधि है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे जो भी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।